छोटी छोटी पत्तियों वाला पुदीने का पौधा घर के आंगन या चौक कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। यह पौधा 12 महीने तक हरा भरा रह सकता है। इस पौधे को कूलिंग एजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इस पौधे की पत्तियां पेट को ठंडक प्रदान करती हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर घर की महिलाएं अपनी रसोई में इस पौधे की पत्तियों का प्रयोग करती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर किशन लाल ने बताया कि पुदीने के पौधे की कई प्रजातियां होती हैं। इसके अलावा घरों में उगाए जाने वाले पुदीने के पौधे में भी अनेकों औषधीय गुण होते हैं। पुदीने के पौधे को घर में लगाना बेहद आसान है। इसका पौधा आसानी से नर्सरी में मिल जाता है। पुदीने को रोपण से पहले इसके डंठल को पानी में अच्छी तरह भिगो दीजिए, फिर उर्वरक मिट्टी में रोपण करें। शुरू में ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करें, बस थोड़ी नमी रहने दें और कुछ दिनों बाद ही पूरा पौधा हरा भरा हो जाता है। पुदीने के आयुर्वेद में अनेकों फायदे हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग शरीर को ठंडा रखने के लिए किया जाता है। पुदीने की पत्तियों का फलों का जूस, नींबू पानी बनाने, सोडा ड्रिंक व गन्ने का जूस बनाने में किया जाता है। बारहमासी पौधा होता है। पुदीना शरीर में कई बीमारियों में काम करता है। ये कफ को हटाता है, दर्द को हटाता है, मांसपेशियों को चिकनाई रोकता है। और गर्मियों के मौसम में पुदीना की जहाँ गर्म नींबू के साथ लेते हैं ना, तो ये पूरे शरीर में ठंड रखता है। और इस पुदीने की चटनी अगर हम काम में ले जाए तो काफ़ी ये लाभदायक होती है। पुदीना हर समय हर जगह मिल जाता है।